नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हमारे साथ मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका प्रथम महापौर राजीव पाटिल, जिन्हें यहां के लोग नाना के नाम से जानते हैं। कल ही नाना का बर्थडे था, 1 अक्टूबर। सबसे पहले नाना आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा बर्थडे की। आज इसी उपलक्ष्य में नाना का कल बर्थडे था और आज महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है और आने वाले कल वसई विरार के कार्य सम्राट जितेंद्र ठाकुर अप्पा साहब का भी बर्थडे है। उसी सिलसिले में यहाँ उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। नाना खुद इस ब्लड डोनेशन कैंप में विजिट किए हैं, आए हैं, हमारे साथ में है। हम नाना से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार नाना, नाना आपको बर्थडे की सबसे बहुत शुभकामनाएं। आपका 60 साल में प्रवेश हुए, 61 साल में 61 साल में 62 पूरा हो गया। अब ऐसे ही सैकड़ों साल जिए और ये लोगों का जो प्यार है वो आपको तरफ दिखता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं लोगों को इतना ही बोलूंगा कि कितने साल जिए ऊपर वाले के हाथ में है, मगर जितना साल जिए उसे आपके साथ में आनंद के साथ में जिए, ये मेरी तमन्ना है। और आप लोग भी ऊपर वाले को ये रिक्वेस्ट कीजिए कि हम सब आनंद के साथ जिए। और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हर जगह पे होना चाहिए। आपने देखा कोरोना काल में बहुत ज्यादा ब्लड की शॉर्टेज हुई थी, अगर अपने वसई तालुका में शुरुआत की और लगभग 15,000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। आपको मालूम है नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से ब्लड का अभी जो 4 हिस्सा किया जाता है, जो ब्लड का अलग उसमें जो 4 पार्ट में ब्लड को डिवाइड किया जाता है, उसके तुम्हारे प्लेटलेट अलग किए जाते हैं, उसके साथ में हिमोग्लोबिन अलग किया जाता है और ये 4 पेशेंट को ब्लड का यूज होता है। तो एक आदमी अगर ब्लड देता है तो वो 4 पेशेंट को ब्लड मिल सकता है, इसीलिए एक अच्छा डोनेशन है। और ब्लड एक बार डोनेट होने के बाद में 24 घंटे के अंदर ब्लड हमारा जैसा था वैसा हो जाता है। मेरी 60वीं उम्र तक लगभग 80-90 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। कभी ब्लड डोनेशन के वजह से मेरे को कभी तकलीफ नहीं, उल्टा ब्लड डोनेशन होने की वजह से मेरे को अभी तक ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है। जो हमेशा ब्लड डोनेट करता है उसको कभी ब्लड डोनेशन तकलीफ नहीं होती। और आपको मालूम होगा कि जागतिक रक्तदान दिन जो है 1 अक्टूबर है और मैं खुद किस्मत हूँ कि उस दिन मेरा बर्थडे है। तो मैं ये ब्लड डोनेट करने वाले सब ब्लड डोनर को मैं धन्यवाद देता हूँ और सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे उपक्रम अपने समाज में होने चाहिए, उससे सबसे मेन तो भाईचारा बढ़ जाता है। फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि ब्लड डोनेशन कैंप करे या कोई भी काम करे, मगर मेडिकल कैंप करते वक्त गवर्नमेंट की जो कोरोना के लिए जो आचार संहिता जो है थोड़ा कंडक्ट है वो हर लोगों ने पालना चाहिए। जैसे मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और सबसे मेन वैक्सीनेशन होना चाहिए। किसी भी एरिया में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, एक भी आदमी वैक्सीनेशन से बिना है तो उसने अगर हमारे कार्यालय में हमें संपर्क करने के बाद में हम तुरंत वो कितने भी आदमी हो उनकी वैक्सीनेशन करने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो इस वक्त मैं सब कार्यकर्ताओं को और नागरिकों को यह कहूंगा कि तुरंत वैक्सीनेशन करवा के लीजिए। मैं भी वैक्सीनेशन करवा के लिया हूं, तो मेरी वैक्सीन पूरी हुई है, तो आप लोगों ने भी वैक्सीन पूरी होनी चाहिए ताकि ये कोरोना जो बीमारी है वो हमारे यहाँ से जाने वाली नहीं, वो तो रहने वाली है। और उसको फाइट करने के लिए अगर हम रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए वैक्सीन ले तो कोरोना हमारा कुछ बाका नहीं कर सकता। कोरोना को बिल्कुल डरो मत, मगर उसको नजरअंदाज भी मत करो। इतना भी जरूर अप्पा का बर्थडे है, अप्पा का बर्थडे हर साल जैसे हम लोग अप्पा को शुभकामना देते हैं, हम लोग सब शुभकामना देंगे और अप्पा को अच्छी लंबी आयु और आनंदमय आयु मिलने के लिए हम भगवान की बस प्रार्थना करेंगे। आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम निशान मनोहर सावंत है। सावंत सर, क्या कहेंगे आपसे? माननीय क्षेत्र दत्ता जी दिया था समाज सेवा का चालू किया है, उसी स्टूडेंट के हम लोग ने ब्लड डोनेशन का काम रखा है और ये हम लोग समाज की सेवा के लिए, समाज की उन्नति के लिए आज जो अपने ब्लड का जो कमतरता निर्माण हो गई है उसको कहीं थोड़ा सा हाथ लगा ऊपर उठाने के लिए हमने ब्लड कैंप का आयोजन किया। आज
कल नाना का बर्थडे था, करेंगे हार्दिक शुभकामना देता हूँ। कल वापस कल अपन अप्पा का बर्थडे है तो उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मेरा नाम शुभांगी निशांत सावंत। हमने यहाँ पे अप्पा जी और नाना जी के बर्थडे के विषय में ये रक्तदान शिविर रखा है और बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेट है यहाँ पे, बहुत हमें सपोर्ट मिला है और विजय बैंक भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। रक्तदान करना चाहिए, एक आदमी तीन लोगों की जान बचा सकता है। मैडम बताइए आज का क्या प्रोग्राम है, जानकारी दीजिए। आज यहाँ पे ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज किया हुआ है शुभांगी लक्ष्मी मैम ने। यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर संगीता मैम, उज्ज्वला मैम, रंजीता, संध्या, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज किया और बहुत सारे लोग सुबह भी आके गए और अभी भी आ रहे हैं। कुल कितना टारगेट है, कितने यूनिट ब्लड जो है वो? 100 का टारगेट है, अभी 50 लोग आके गए हैं और भी आ रहे हैं तो होपफुली हो जाएगा। ये आपका जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो सक्सेस होना ही है क्योंकि जिनके लिए रखा गया वो खुद यहाँ है, लेकिन उसके अलावा आपकी क्या क्या तैयारी है, कैसे आपने मैनेज किया? सुबह से ही 8:30 बजे ही लोग आ गए थे यहाँ पे मैनेज करने, 10 बजे से स्टार्ट हुआ। यहाँ के वर्कर एंड कार्यकर्ता सब लोगों ने काफी प्रोत्साहन के साथ स्टार्ट किया हुआ है करके कौन? और आई थिंक बहुत अच्छा रहा। ब्लड पार्टनर डोनर जो आप, कौन सा ब्लड बैंक है? विजय ब्लड। थैंक यू। हाँ सर, आपका नाम? माझं नाव सचिन पाटरंग चव्हाण पूर्ण नाव, आणि वॉर्ड 86 मध्ये मी राहतो आणि पक्षाचा मी जनरल सेक्रेटरी आहे आणि त्याचबरोबर सोशल कार्यरत असतो। आज के कार्यक्रम की जानकारी दीजिए, क्या करें? सबसे बहुत अहम बात है, अगर देखा जाए तो 1-2-3 छुट्टी होने के बावजूद भी लोगों ने जिस तरह से प्रतिसाद दिया है वो बहुत ही आदरणीय है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया, स्लॉट लिया, जैसे वैक्सीनेशन में होता है तकरीबन, तो ये सब सिस्टम है। जैसे कार्यकर्ता तो इतना उत्साही है कि आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट इतनी उत्साही है कि आपको उसका कोई गिनती नहीं है। उसी के साथ हमारा जो वरिष्ठ नेता भी है वो भी यहाँ आके गए, राजू आके गए, उसमें जी थे, आरके राहुल जी भी थे, तो इनका भी बहुत सारा प्रसाद रहा है, उनका भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है। ये सब है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रक्तदान ये सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, जैसे बताया नाना जी ने, उसमें सिर्फ रक्त ही निकलता है, उसमें प्लाज्मा है, उसमें डीएनए है और उसमें ये भी है, चारों चीज अलग अलग करके हम आदमी को ये कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे कोरोना काल में प्लाज्मा जो ट्रीटमेंट है सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट मानी गई है, जो औषधि से भी ज्यादा है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थे, स्टेरॉइड्स थे, उससे भी बढ़िया सिस्टम है प्लाज्मा। अगर एक बार आप खून से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और उसमें ट्रीटमेंट करते हो तो आदमी जल्दी ठीक हो जाता है कंपैरेटिवली। दूसरी बात है कि अगर आप ऐसे देखा नहीं, ठीक है, तो ये सब बातें हैं और आप जो खड़े हैं, हम सब ये खून की वजह से ही खड़े हैं, इतना ध्यान रखें। मैडम आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या है? आज हम लोगों ने नाना जी के बर्थडे के अवसर पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और अप्पा का भी बर्थडे है 3 तारीख को, तो दोनों के आशीर्वाद से हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं वार्ड 86 की तरफ से, तो आज हमने उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ था। काफी अच्छा सभी लोगों ने डोनेट किया है और इस कोरोना काल में हम लोगों को काफी जरूरत है, बेचारे काफी लोगों की ब्लड की वजह से, बहुत लोग हमारे कोरोना की वजह से बेचारे लोग चले गए हैं, तो उसके लिए एक मदद हो जाता है और ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है। एक्चुअली लोग डरते हैं लेकिन नहीं डरना चाहिए, ब्लड डोनेट करिए, अच्छा है। थैंक यू। महिला मंडल, युवा कार्यकर्ता और सभी लोगों की तरफ से वार्ड 86 में अपना रक्तदान शिविर रखा है अप्पा और नाना का बर्थडे के सेलिब्रेशन में, और मेरे हिसाब से रक्तदान सभी ने करना चाहिए, जिनसे होता है उन सबने रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान से कितने लोगों को मदद मिलती है और मेरा यही मानना है। आपका नाम? अश्लेषा काजगे। यहाँ नाना के नानाच्या वाढदिवसासाठी रक्तदान शिबिर ठेवलं आहे। रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे, हे सगळ्यांनी केलंच पाहिजे, रक्तदानामुळे खूप जण लोकांचा जीव वाचतात। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।